नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे और आपका परिवार काफी मस्त होगा। इसलिए चूंकि ये सावन का महीना, सावन का लास्ट महीना और जन्माष्टमी आपके बहुत नजदीक आ चुकी है, और जन्माष्टमी का उत्सव आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। आज हम बताएंगे कि ये जो हम वस्त्र पहनते हैं ना, इसका भी कांटेक्ट हमारी बॉडी से होता है, क्योंकि ये हमेशा मेरे शरीर से चिपका रहता है। हमारी इज्जत आबरू के साथ हमारे मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगाता है। हमारी लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जिनको मालूम है उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और जिनको नहीं मालूम वो पुराने कपड़ों को भी उठाकर फेंक देते हैं, और ऐसे कपड़ों को अगर गंदी जगह फेंका गया तो आपका दुर्भाग्य उसी दिन से चालू हो जाता है। पुराने कपड़ों को कभी फेंके ना, किसी को आप उस कपड़े को आप डोनेट भी कर सकते हैं, या गंदी जगह नहीं डालना है उसको, अपने यहाँ कोई टब में मिट्टी उट्टी डालकर उसको, मिट्टी ही बन जाएगी वो कपड़ा 4-5 महीने में, ठीक है? उसको खाद यू, ये जिसे हम खाद में होता नहीं कि आजकल जो खाद चल रही हैं, जो जैविक खाद टाइप में बना लीजिए। आज हम बात करेंगे कि कपड़ों से कैसे जाने कि आपका इस समय दिन कैसा चल रहा है, आगे कुछ बढ़िया होगा कि नहीं होगा। इस समय जन्म पत्री कुछ और बोल रही हो, मेरे साथ हो कुछ और रहा है, आखिर कारण क्या है? मैं क्यों परेशान हूं? क्या इससे कभी मुझे छुटकारा मिलेगा कि जिंदगी भर हम यूं ही भटकते रहेंगे? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको आपके कपड़े से मिलेगा। आज हम वही बताने वाले हैं, वही सिखाने वाले हैं। इस क्रिया में आपको धैर्य विश्वास के साथ पवित्रता का ध्यान रखना होगा। प्यारे दर्शकों, ये जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही प्राचीन विद्या है, और इस विद्या का प्रयोग राजघराने में राजा लोग युद्ध से जाने से पहले करते थे कि ये हमारे लिए युद्ध लाभदायक होगा या नुकसानदायक होगा, उसी हिसाब से रणनीति अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से इस प्रयोग को करके लाभ लेते थे। तो आज कलयुग में इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होके बता रहा हूं, ताकि आप आसानी से अपने घर पे कर सके। तो चलिए शुरुआत करते राधे राधे बोलकर, एक बार सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। और चलिए मैं बताता हूं, आप अपना कपड़ा शनिवार का पहना हुआ, शनिवार को सुबह से कपड़ा पहनिए, शाम को उतारिए। जैसे अंडरगारमेंट होते हैं, सैंडो बनियाइन होगी, या आपके कोई भी अंडरगारमेंट हो जो बॉडी से चिपका हो, ऊपरी वस्त्र ना हो, उसका अपने हाथ से एक बलिस्ता उसको काट लीजिए। काटने के बाद यह शब्द देखिए नीचे लिख चल रहा है, इस शब्द को आपको काजल से, काजल लेना और माचिस की तीली या किसी अनार के डंडे से या कलम उलम बना लेना, उससे ये शब्द को लिख देना। लिखने के बाद इस कपड़े को शनिवार को ही आप ले जा करके नीम का वृक्ष, जानते ना, छोटा बड़ा कैसा भी पेड़ हो, नीम के पेड़ पर बांध देना और बोल देना, मैं अगले शनिवार आपको लेने आऊंगा, मेरे समस्त जीवन की लीला मुझे दिखा देना, जस अपजस हान लाभ जो भी हो सब बता देना। ये बांधने के बाद आप इंतजार करिए अगले शनिवार का, अगले शनिवार को उसको ले आइए। लाने के साथ उस कपड़े में आपको थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा आपको कोई भी थोड़ा सा इत्र जो होता है वो डालना है, या आप चंदन का हल्का सा बुरादा डाल के उसको बाती बना लीजिए, जैसे हम दिए की बाती बनाते हैं। और इस बाती को आपको चमेली के तेल में एक कच्चा दीपक लेना, जो दीपावली वाले दिन हम लोग कच्चा दीपक लेते हैं, यानी जो कुम्हार के यहाँ का बना दीपक आता है, दियाली जिसे बोलते, उसमें इस दीपक को लगाना है, यानी बना लेना है। अब रात का इंतजार करिए, रात का इंतजार करिए,
रात यानी सूर्य अस्त से आपको 3 घंटे बाद ये दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद इसी मंत्र को आपको 14 बार पढ़कर फूंक देना। फूंकने के बाद आप इस दीपक को जलने देना। जब दीपक जल जाएगा और उसमें की एक राख गिरेगी, यानी वो जो बाती होती है उसके नीचे एक कटोरी कोई लगा देना। दीपक जलेगा, जलता हुआ भाग नीचे गिरेगा, तो उसको आप उठा लेना। सोने से पहले आप अपनी आंखों में ये सुरमा जैसा लगाना और पुनः 7 बार अपने हाथों पर इसी मंत्र को बोलकर ऐसे 7 बार लगाकर लेट जाना। आपके साथ पहले क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा, आगे क्या होगा, उससे बचने के लिए आपको साथ ही उपाय भी मिल जाएगा। ये YouTube पर पहली बार रुद्र शरण महाराज यानी मैं आपको दे रहा हूं। आज ये वीडियो 24 अगस्त 2024 को बन रहा है। देखिए संयोग भी 24 अगस्त 2024 को ये बन रहा है और आप सभी लोगों के समक्ष अपलोड भी हो रहा है शाम को। हो सकता है इसी तरीके की वीडियो कई लोग इधर उधर की नकल करके परोस देते हैं, और मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं जो आपको कभी किताबों में नहीं मिलेगा, कहीं आपको इधर उधर इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। ये गुरु ज्ञान द्वारा है। जो गुरु गुरु के पास एक उतना हृदय रूपी एक किताब होती है, असंख्य मंत्र उनको याद रहते हैं। हमारे गुरु हैं वृंदावन के हैं, तो परमहंस जी महाराज, जो कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये विक्षिप्त टाइप के हैं। विक्षिप्त मतलब लगेगा कि आपको पागल जैसे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, कपड़ा फटा हुआ, ये मतलब आपको एकदम लगेगा ही नहीं वो। लेकिन उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं और उनके कम से कम 4 से 5 लाख शिष्य हैं। जब भी किसी को बात करना होता है तो बगल वाले कहते हैं कि इधर इस ये नंबर मिला, और उनकी मेमोरी मतलब 4 लाख 5 लाख नंबर याद है, अद्भुत। इसी प्रकार गुरुजन ये प्राचीन चीजों को अपने हृदय रूपी पुस्तक में, अपने मस्तिष्क रूपी मेमोरी में उसको इकट्ठा किए थे। अब वो किसी को नहीं बताए, क्योंकि जानते थे ये कलयुग है, कलयुग में अधिकतर लोग इसका दुरुपयोग करेंगे नाना प्रकार का। बहरहाल इसमें दुरुपयोग होने वाली कोई बात नहीं, ये तो आपने लिए है। तो ये चीज गुरु जी की थी, आप लोगों के सामने इसको मैंने दिया। मैं यही निवेदन करता हूँ, ये हमारे भारतीय साधु संतों की पूंजी है, इसको सुरक्षित रखें, अपने बच्चों तक बताएं, अपनी डायरी में रखें, ताकि ये चीज जन जन तक पहुंचे। हर समाज का, हर वर्ग का कोई भी इंसान हो इसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।